Assalamualaikum student, ECD class 3. Today I introduce the subject science. Page number 57. Point to remember. ये point जो student हमने unit number 12 push and pull पढ़ा था, तो अब हमने क्या करना, उसके जो कुछ point थे हमने उसके, तो वो हमने revise again करने हैं, फिर उसके बाद हमने उसके work it out करना है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट क्या है, पुश एंड पुल आर फोर्सेस. धकेलना और खींचना क्या है, ये एक फोर्स है, मतलब ये ताकत है, ठीक है, मतलब ताकत है, उसी के जरिए हम किसी भी चीज को पुश और पुल कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट, आप पुश मूव समथिंग अवे फ्रॉम अस. एक पुश कर रहे हैं, मतलब हम एक किसी चीज को पुश कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, कहां से, अवे फ्रॉम अस, मतलब अपने से दूर फेंक रहे हैं, दूर खींच के लेकर, खींच रहे हैं, खींच नहीं रहे, किसी भी चीज को दूर कर रहे हैं अपने से, ठीक है. थर्ड पॉइंट, आप पुल मूव समथिंग टूवर्ड अस. हम किसी भी चीज को पुल कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को खींच रहे हैं, मूव कर रहे हैं, समथिंग टूवर्ड मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं ना किसी चीज को. यहाँ क्या कह रहा है, या हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, मतलब पुल है तो खींच रहे, मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, टूवर्ड अस, मतलब हम अपनी तरफ नहीं कहलाएगा इधर, ये नहीं कह समझ कि आपने कहा कि हर चीज अपनी तरफ, नहीं बेटा अपनी तरफ नहीं कहलाएगी, हम पीछे भी पढ़ के हैं कि हम उसको खींचते हुए लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है. अब उसके बाद है हमारा स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स होती है जो कि पोजीशन चेंज करती है, पोजीशन चेंज कर रही होती है, चेंज मतलब एक, मतलब जगह चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, पोजीशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की. जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमने फोर्स का मतलब किक करी थी बॉल, तो फिर क्या की थी, बॉल ने पोजीशन चेंज की थी, मतलब वो स्टेट में थी, रुकी हुई थी, हालत में थी, फिर जब उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसने क्या की, पोजीशन चेंज की. सपोज कर ले ये पेंसिल है हमारे पास, ये हमने हाथ में रखी, ठीक है, ये हमारे हाथ में, ये रेस्ट में ही रहेगी, ये मूव नहीं करेगी. क्यों मूव नहीं करेगी, जब तक हम इसमें फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, हमने फोर्स लगाई तभी तो ये पेंसिल उठ के यहाँ से यहाँ मूव करी. कैसे मूव करी, हमने इस पे फोर्स अप्लाई की, मतलब कोई चीज रुकी हुई तो वो रुकी हुई रहेगी, कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहेगी, ये देखिए मूव कर रही है तो मूव ही करते रहेगी. कैसे मूव करे, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स है, ठीक है. अब ये रेस्ट में थी तो क्या है, हमने इस पे फोर्स अप्लाई करी है, तो क्या हुआ कि ये रेस्ट से मूवमेंट में आई है. रेस्ट मतलब रुकी हुई थी, रुकी हुई थी, फिर हमने इसको फोर्स दी तो ये मूवमेंट में आई, हरकत में आई, ठीक है. अब उसके अलावा, अब दूसरी चीज, ये चीज कोई भी चीज मूव कर रही है हरकत में कर, तो हमें फोर्स ही अप्लाई करेंगे इसको रोकने के लिए, वरना ये रुकेगी नहीं. तो मतलब इसमें भी किस चीज का अमल दखल हुआ है, फोर्स का हुआ है. अब हमारा है फाइव पॉइंट, टू मेक थिंग्स मूव वी यूज अ फोर्स. हम मेक थिंग मूव मतलब हम मूव करवा रहे हैं, किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है ना, हमने क्या फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी कोई चीज मूव कर रही है, वरना कोई चीज मूव ना करे, ठीक है. इसी के साथ अब हम बुक की वर्क इट आउट पे आते हैं, ठीक है. लुक एट द पिक्चर बिलो, इधर नीचे पिक्चर दी गई है, आप इसको देखें एंड आइडेंटिफाई करें. आइडेंटिफाई मतलब पहचान करें, ठीक है. ईच मूवमेंट एज अ पुश और अ पुल. अब इसमें क्या करनी है, पुश और पुल की मूवमेंट बतानी है, किस में ये पिक्चर जो दी गई है इसकी बतानी, और फिर इधर लिखे. सपोज यहाँ पर सपोज नहीं करें, यहाँ पर देखे ए है, ठीक है. अब हमने बताना है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर स्टोन है, अब इसको क्या कर रहा है, ये मूव करवा रहा है. बॉय क्या कर रहा है, स्टोन को मूव करवा रहा है. स्टोन खिलाएगा या रॉक लाइक भी होगा, रॉक तो वैसे मूव नहीं होता, बाकी ये स्टोन है, पत्थर है, ठीक है. इसको ये बड़ा पत्थर, इसको ये मूव कर रहा है, आगे की तरफ धकेल रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, ये पुश कहलाएगा, पी यू एस एच, पुश. अब देखिए यहाँ है ये बच्ची, ये कुर्सी को क्या कर रही है, लेकर जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है. आप बोलोगे मिस ये भी लेकर जा रहा है, ऐसे तो हम कैसे पहचाने कौन सा पुश है कौन सा पुल है. तो पुश में देखो ये आगे से खींच रहा है, किसी चीज की ताकत बहुत लगा रहा है कि इसको
खींच रहा है कि आगे की तरफ बढ़े, मगर यहाँ देखिए ये भी चीज खींच रही है, मगर ये खींच तो रही है मतलब आगे की तरफ, ये पुल मतलब खींचते हुए लेकर जा रही है, जिस चीज को धकेल रहा है। यहाँ कुछ में क्या हो रहा था, धकेल रहा है आगे की तरफ, ये यूं जोर लगाकर धकेल रहा है, मगर यहाँ पुल जो हो रहा है यहाँ क्या कर रहा है, इस चीज को ये कुर्सी को खींचते हुए लेकर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुल हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से स्टूडेंट सी डी ई एफ आप खुद कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा पेज नंबर 57 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर स्टूडेंट 58 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है, इधर टिक करना है द थिंग व्हेन विच कैन मूव ऑन देयर ऑन। ठीक है, मतलब टिक करना है उस पर, राइट करना है जो चीज खुद से मूव कर सकती है। ठीक है, एंड क्रॉस करना है द ऑन्स विच कैन नॉट, मतलब क्या करना है हमने, उधर क्रॉस करना है, खत्म करना है जो चीज खुद से मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक जो है यहाँ पर ये बॉल है। ठीक है, अब बॉल हमें पता है, हम इसको अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि हम उस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब ताकत दे रहे होते हैं, तभी तो वो मूव करते हैं, मतलब कि ये खुद से मूव नहीं करता, हम इसको मूव करवा रहे हैं, तो इधर ही आ जाएगा क्रॉस। ठीक है, क्योंकि खुद से मूव नहीं कर सकता, केट होती है, हम उसको पकड़ने लगते हैं, खुद ही भाग जाती है, किसे भाग जाती है, उसके अंदर फोर्स है ना, तभी वो आगे आगे चलेगी, है ना भाई, आगे चलेगी ना, वरना तो आगे तो जाती नहीं। तो मतलब ये क्या हुआ, ये केट पे हम इधर क्या आएगा, टिक आएगा, क्योंकि ये खुद मूव कर सकती है। इसी के साथ साथ ये भी आप खुद कीजिएगा कि आपको पता चले कौन सी चीज पुश करने वाली, कौन सी चीज खुद चलती है और कौन सी चीज हम चलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पेज नंबर हमारा जो है 58 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 12 का पुश एंड पुल हमारी यहाँ बुक वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।